सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी विद स्टाइल यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद स्टाइल के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर कच्ची सब्जियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिन्हें कच्चा खाने से वो आपके स्वास्थ्य को अधिक लाभ प्रदान करती है। कुछ सब्जियों को पकाकर खाने से उनमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगा जिन्हें आपको कच्चा खाना चाहिए। सो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, हेल्दी और फिट रहने के लिए सबसे ज़रूरी हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप हेल्दी फूड्स खाएंगे तो ना सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपकी बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा। हेल्दी रहने के लिए लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें कई फल सब्जियाँ शामिल होती है। आज आपको हम बताएंगे कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिन्हें कच्चा खाकर आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। कुछ सब्जियों को पकाकर खाने से उसमें मौजूद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी सब्जियों को कच्चा खाना चाहिए। हमारी लिस्ट में पहली आती है ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन सी उच्च मात्रा में मौजूद होता है जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर को संक्रमण से भी बचाने में मदद करता है। ब्रोकली को आप कच्चा खा सकते हैं या फिर जूस या स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं। हर तरह से यह स्वास्थ्य के लिए लाभ देगा। सो दोस्तों, ब्रोकली को हमें कच्चा ही खाना चाहिए। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है नारियल। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट। नारियल का सेवन लोग उसके सूखने के बाद भी करते हैं। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी किया जाता है, साथ ही इसमें कई मिठाई भी बनती है। कच्चा नारियल खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे वजन कम करने में आसानी होती है। साथ ही यह हृदय से जुड़ी समस्याओं को भी कम करता है। सो नारियल को कच्चा ही खाना चाहिए। दोस्तों, हमारी तीसरे नंबर की लिस्ट पर आती है बेरीज। बेरीज, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो या ब्लूबेरी, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, इनका सेवन आप सूख जाने पर ना करें क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसलिए यदि आप इन बेरीज का सेवन कच्चा करते हैं तो यह आपको बहुत ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करना, स्किन को लाभ पहुंचाना और सूजन कम करना इत्यादि में बेरीज का बहुत बड़ा योगदान है। सो बेरीज को हमें कच्चा ही खाना चाहिए। सो दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स खाने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स में मसाला डाल देते हैं या फिर रोस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से उनमें मौजूद पोषक तत्व पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ड्राई फ्रूट्स का सेवन कच्चा ही करना चाहिए। यह आपके फैट को बर्न करने में मदद करता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।